मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कोरोना संक्रमण को हम नियंत्रण में किए हुए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कुल 9 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 14 लोग स्वस्थ होकर लोग घर गए हैं। कुल 147 एक्टिव मरीज प्रदेश में बचे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लेने की बात कहने पर बोले गृह मंत्री, मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वेट कमलनाथ की सरकार ने बढ़ाया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि सरकार बनाने के बाद पेट्रोल डीजल में वेट कम करेंगे। बगैर नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से राहुल गांधी के लोकसभा पहुंचने पर गृह मंत्री ने ली चुटकी। संसद हो या विधानसभा, बौद्धिक चर्चा के लिए होते हैं, बाहुबल के लिए नहीं होते। राहुल गांधी बौद्धिक चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते, ये पूरा देश जानता है। कभी ट्रैक्टर पर सोफा लगाना, कभी ट्रैक्टर चलाना, कांग्रेस के ट्वीट में जवाहरलाल से लेकर सोनिया लाल तक के फोटो हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन वृद्धि पर बोले नरोत्तम मिश्रा, वित्त स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है कोरोना में कारण, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल की है। वेतन वृद्धि का जनता पर कोई भार नहीं आएगा, मुख्यमंत्री जनता को भगवान मानते हैं। जिनने कभी बांटा ही नहीं हो उनको तो मजाक लगेगा। कभी कांग्रेस के लोग एक हाथ किलो ही बांट देते पूरे मध्य प्रदेश में, वो फिर कहते तो अच्छा लगता। टीवी और ट्विटर पर चलने वाली पार्टी के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? ये तो मोदी जी शिवराज जी की सरकारें हैं। गरीब की थाली ना रहे खाली, ये चिंता उन्होंने कोरोना काल में की, चाहे वो कोरोना प्रथम हो चाहे कोरोना द्वितीय हो। दोनों समय में हमारी सरकार ने तो कोरोना में वो सेवा की है कि हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां से जब प्रवासी मजदूर लौट रहे थे वहां, और हमारे प्रदेश को देख लो आप, मध्य प्रदेश, अद्भुत सेवा की गई थी। जगह जगह लंगर चल रहे थे, जैसा हम देखते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में, देखते हैं हम हमारे चित्रकूट की परिक्रमा में, देखते हैं हम बाबा अमरनाथ बर्फानी के यहाँ जब जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा रहता है। कर्मचारियों के लिए रुका हुआ था, वित्तीय स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है जो होना चाहिए थी कोरोना के कारण से, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का ये पहल की है। इसके पहले देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने की थी, दोनों साधुवाद के साथ। मैंने भी यही कहा अभी कि आर्थिक हालात उतने अनुकूल नहीं है जितने होना चाहिए थे। जनता पे कोई भार अभी तक न डाला है न आगे डालने का कोई कार्यक्रम है। हमारे लिए जनता है और शिवराज सिंह जी तो जनता को भगवान मान के चलते हैं। अब ये तो वो लोग कम राजस्थान में तो लेना ही था, और जवाब और बढ़ाया कमलनाथ जी की सरकार ने था, और कमलनाथ जी की सरकार के ही घोषणा पत्र में था कि हम वैट कम कर देंगे डीजल पेट्रोल पर। उन्हीं ने कम नहीं किया, उनकी गलती है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग। सर बिना नंबर प्लेट के राहुल गांधी के कर्मचारी उनकी मांगों को पूरा करें, एक आध मांग वो उन्होंने अपने समय में किसी की पूरी करी हो और ट्वीट करें, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे होते और ट्वीट कर रहे होते तो भी ठीक था। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, वो कभी किसान पे करते हैं, कभी नौजवान पे करते हैं, कभी जब वो थे तब क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा, ट्रांसफर के अलावा तो कुछ किया नहीं था, तो अब क्या करेंगे? अब ट्वीट ही करेंगे। धीरे धीरे सबका हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे सारे मंत्री जनता के बीच तो ठीक जा रहे हैं ना, कोई प्रभार का जिला बचा तो नहीं है? अभी महीना भर भी नहीं हुआ प्रभार के जिले को बटे हुए, और दो दो दिन हर मंत्री रह के आया है, कई लोग तो ज्यादा दिन रह आए। जनता से संपर्क और संवाद ये आधार है हमारा, शुद्ध सात्विक प्रेम ये आधार है हमारा, चरैवेति चरैवेति ये है जड़ हमारी। देखो संसद हो या विधानसभा, ये बौद्धिक चर्चा के लिए होती है, बाहुबल के लिए नहीं होती। वो बौद्धिक चर्चा में क्यों भाग नहीं लेते ये पूरा देश जानता है। कभी ट्रैक्टर पर सोफा लगाना, कभी ट्रैक्टर पर बिठालना,
जो उनका कांग्रेस का ट्वीट है उसमें जवाहरलाल से लेके सोनिया के लाल तक का ट्रैक्टर चलाते हुए फोटो है। आप इससे अंदाज कर सकते हैं किसानों का जब आंदोलन पीक पे था तब छोड़ के विदेश चले गए थे। इसी को क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, घड़ियालू आंसू इसी को कहते हैं। देश अब राहुल जी को और उनकी पार्टी कांग्रेस को अच्छे से समझ गया है।